चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज की मेरी ये वीडियो है केक विदाउट ओवन। ये बिस्कुट केक है, बहुत सारी डिमांड आई थी, मेरे पास ओवन नहीं है, तो आज की ये रेसिपी है। अगर आपको अच्छा लगे और तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं, लेट गेट स्टार्ट। आज हम बनाएंगे केक विदाउट मैदा। आप बोल रहे थे कि ओवन नहीं है हमारे पास, तो हम बिना ओवन का आज केक प्रिपरेशन करेंगे। तो उससे पहले अगर आपके पास अगर मैदा नहीं है या फिर आटा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी कुकीज ले सकते हैं, कोई भी छोटा या बड़ा पैकेट। मैंने ये गोल्ड डे का लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसी को यूज करें, आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। और इसको लेने के बाद आपको क्रश कर लेना है। क्रश आप चाहे तो बेलन की मदद से पन्नी में डाल के और तोड़ सकते हैं, वरना इसे आप तोड़ के और कूट दीजिए, उसके बाद फिर आप इट्ठू डोंगे में निकाल के रख लीजिए, छान लीजिए उसे, मतलब पूरा मतलब दरदरा ना रहे, अच्छे से मतलब पीसा और पाउडर फाइन जैसा होना चाहिए। तो चलिए फिर आगे की रेसिपी शुरू करते हैं। अब हम एक बाउल ले लेंगे, बाउल में अब हम ये बिस्किट तोड़ के डालेंगे। आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यही लीजिए, आपके पास जो है आप वो ले लीजिए। मेरी गोल्ड है तो मेरी गोल्ड ले लीजिए, ओरियो है ओरियो ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं। आप चाहे तो एक पैकेट का भी बना सकते हैं, तो ये स्मॉल केक बन जाएगा। और अगर आप बर्फ बनाना चाहते हैं तो आप दो लीजिए, टू पैक, या फिर आप इन दोनों को एक बड़ा पैक मिला के ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है यही। बस तो हम इसे तोड़ लेंगे। Out of sight and out of mind is perfect. It's so hard to decide. Oh, I know he got me good in his pocket. I know that I'm used to treat. Well, the taste is bitter. Oh, go on, chewing my bones, and when he's done, he's spitting me out. I just can't. आपके पास कोई दूसरी छन्नी नहीं है तो आप आटे वाले चाले से भी इसे चाल के निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास अलग से छन्नी होनी चाहिए। तो जिसके पास मतलब नहीं है वो आप ये भी यूज कर सकते हैं। खलबट्टा सबके घर में होता है, आप कोई भी लेके इसे ऐसे क्रश कर लीजिए, पाउडर से फाइन बना लीजिए। आपको ये हल्के हाथ से करना है, अगर आप ज्यादा जोर से प्रेस करके और देंगे तो ये सब बाहर आउट हो जाएगा, मतलब बाहर गिर जाएगा, इसलिए आपको आराम से करना है। ऐसे पाउडर बना लेना आपको। True talent in avoiding conversation. तो ये देखिए मैंने वो कर लिया है, अब आपको इसमें छान लेना है। तो जब और ये ऐसे टुकड़े आपको दिखेंगे तो फिर आपको उसको ऐसे आप मसल भी सकते हैं, अगर वो मतलब सॉफ्ट वाली कुकीज होगी तो ऑलरेडी वो और मसल जाएगा इतना क्रश करने के बाद। उसके बाद आपको छान लेना है, फाइन पाउडर बना लेना है। ऑयल डालेंगे,
आप बटर भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ऑयल भी यूज करें। अगर आप आपके पास बटर नहीं है तो आप ऑयल ले सकते हैं, लेकिन ये फ्लेवर वाला नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर आप कोई फ्लेवर वाला डालेंगे तो उसकी महक, उसकी सुगंध आपकी इसमें आ जाएगी। तो इसलिए बिना फ्लेवर वाला ही आप डालें, ऑयल लें। ये फॉर्चून का ऑयल है। अब हम इसमें वाटर डालेंगे। वाटर आपको एक कट्ठा नहीं डालना है, पहले आपको थोड़ा सा ही डालना है। उसके बाद मिक्सर की मदद से, विक्स की मदद से आप विक्स करते जाएंगे। सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। मतलब आपको और मीठा खाना है तो आप डाल दीजिए। आपको चीनी आधा कप, मतलब जितनी कुकीज है उससे, मतलब जैसे अगर आपके पास कुकीज दो पैकेट है तो आप एक पैकेट के हिसाब से, मतलब आधा आधा कप आपको चीनी पाउडर डालना है। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम मीठा खाते हैं तो कम मीठा लीजिए, ज्यादा मीठा खाते हैं तो आप थोड़ा ज्यादा ले लीजिए। हमें इसका बैटर मीडियम ही बनाना है, ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अभी भी गाढ़ा है। अब नॉर्मल पानी यूज करेंगे, वाटर रूम टेम्परेचर के हिसाब से ही होना चाहिए। ये देखिए आपकी इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए केक बैटर की, ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला हो। अब हम इसमें डाल देंगे इनो। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल सकते हैं इसकी जगह, जरूरी नहीं है कि आप ये डालें। तो आपको बेकिंग पाउडर लेना है आधा चम्मच और बेकिंग सोडा 2 पिंच के हिसाब से आपको डालना है, मतलब 2 चुटकी आपको बेकिंग सोडा डालना है। और फिर उसको मिक्स करके कुछ देर, मतलब अभी आप इसे थोड़ा सा 5 मिनट रेस्ट होने देंगे, उसके बाद हम इसे डालेंगे ताकि ये अच्छे से जो आपके केक में, मतलब अगर आपने नहीं छाना है और छोटे छोटे आपके हैं अभी दानेदार, तो वो अगर कुछ देर आप रखते हैं तो वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा, फूल जाएगा। आपको ज़्यादा प्रेस उसमें नहीं देना पड़ेगा पतला करने के लिए। अब हम इसमें इनो डाल देंगे। इनो की जगह आप आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और 2 पिंच, मतलब 2 चुटकी आपको बेकिंग सोडा डालना है, नहीं तो आप 1 पैकेट इनो डाल देंगे अगर आपके पास इनो है तो, 1 चम्मच के अनुसार। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और फिर जल्दी जल्दी से आपको मिक्स कर लेना है। आपको ज्यादा मिक्स नहीं करना है,
अब हम कोई भी बर्तन ले लेंगे, आपके पास जो भी है, टिफिन है, कुछ भी आप यूज कर रख सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं, सॉरी, जरूरी नहीं है कि आपके पास केक टिन ही होना चाहिए। तो अब हम इसमें ऑयल लगाएंगे, उसके बाद डस्टिंग करेंगे आटे या मैदे की। आप कुकीज की भी, पाउडर की डस्टिंग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आटे या मैदे की भी आप डस्टिंग करें। तो चलिए, ये देखिए हम ऑयल लगाएंगे। आपको पूरे में अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लेना है, लगा लेना है अच्छे से। आप फिंगर से भी लगा सकते हैं अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो। I told myself that maybe he ain't worth it. ऐसे डस्टिंग कर लेंगे, ऐसे आपको कर लेना है। जो एक्स्ट्रा रहेगा वो ऑलरेडी निकल आता है, आप फिर अलग से निकाल सकते हैं। अब इसमें हम केक बैटर डालेंगे। आप चाहे तो इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स भी उसमें डाल सकते हैं, और फ्लेवर के लिए कोई फ्लेवर दे सकते हैं। मैंने फ्लेवर नहीं डाला, कोई भी फ्लेवर दे सकते हैं। अगर आपके पास फ्लेवर नहीं है तो आप इलायची पाउडर यूज कर सकते हैं, सिनेमन पाउडर यूज कर सकते हैं, उसका भी केक अच्छा लगता है। तो आइए अब इसको हम रखते हैं। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप हेलमोनियम की कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं आपके पास। वो नीचे थोड़ी मतलब मोटी होनी चाहिए परत, और ऊपर ढकने के लिए भी आपकी मोटा होना चाहिए। और इस तरह का आपके पास है अगर, तो आप इस तरह का हेलमोनियम फाइल को फोल्ड करके आप इस छेद में इसको कवर कर देंगे, बंद कर देंगे, ताकि भाप अंदर बनी रहे और केक पक सके। अगर आपके पास हेलमोनियम वाली है तो आप ऊपर से बड़ी थाली कवर करके नीचे ऐसी ही, आप, मैंने पहले वाले वीडियो में आपको केक की रेसिपी दिखाई थी मैदे या आटे वाली, तो आप ऐसा बैटर बना के सेम यही प्रोसेस में आपको पका लेना है, पहले 25 मिनट्स के लिए। उसके बाद देखेंगे कि केक अगर नहीं हो पाया है अभी और पकना है, आप टूथ पिक डाल के या नाइफ डाल के चेक करेंगे उसमें लग रहा है, तो आपको 5 मिनट 10 मिनट के लिए और बेक कर लेना है, पका लेना है गैस में ही। और उसके बाद फिर कुछ देर के लिए रहने देंगे आप, उसके बाद निकाल के एक ठो तौलिया या किसी भी कपड़े से आपको ढक लेना है, उससे केक आपका मुलायम रहता है, कड़ा नहीं होता। तो जब वो ठंडा हो जाएगा उसके बाद आप नाइफ से किनारे निकाल के, नाइफ डाल के, उसके बाद आप उसे किसी प्लेट में थाली में पलट लीजिए, तो केक आसानी से निकल आता है। अगर आप गर्म में ही पलटेंगे तो केक का टूटने का डर रहता है। चलिए फिर, अगर आपको कोई भी मतलब कोई डाउट लग रहा हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम इसे चेक करेंगे। नाइफ डाल के ये देखिए, केक नहीं चिपक रहा है, यानी आपका केक रेडी है। और ये किनारे से भी छोड़ देता है, जिससे पता चलता है आपका केक रेडी हो गया है। लेकिन आप नाइफ, अगर आप टूथपिक भी डाल के चेक कर सकते हैं,
अगर थोड़ा सा भी लगता है तो आप 5 मिनट के लिए और बेक कर लेंगे। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको हम निकाल लेंगे। अब हम ये केक निकाल लेंगे। आपका केक कितना स्पंजी और जालीदार बना है। शेयर कर दे और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट पर जरूर बताएं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट पर जाके पूछ सकते हैं, एनी अदर क्वेश्चन आप केक के बारे में। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय फ्रेंड।